जेपी विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी ये न्यूज़ सूचना जारी हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। 2017-21-24 में जो स्टूडेंट्स इंटर फाइनल कर चुके हैं और ग्रेजुएशन पार्ट वन में जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आज की उनके लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों 2017-20 के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आया है परीक्षा को लेकर 2017-20 के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ 2017-19 के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है 2017-19 के स्टूडेंट्स के लिए, परीक्षा को लेकर तैयारियाँ शुरू हो गई है। परीक्षा कब होगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इंटर फाइनल कर चुके हैं ग्रेजुएशन पार्ट वन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं जेपी यूनिवर्सिटी में, उन छात्रों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जेपी विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक में लिए गए हैं कई निर्णय। जी हां, यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया होगी सहज, UMIS के तहत आवेदन की प्रक्रिया में होगा सुधार। जी हां दोस्तों, यदि अगर आप चैनल पर न्यू जरो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक कर दो और बगल में घंटी का ऑप्शन उसको भी दबा दो कि आने वाली जो भी वीडियो में डालूं जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड छोटी से लेकर बड़ी अपडेट तक आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए और आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 4756 अभ्यर्थी देंगे बीएड एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त को होने वाली है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सारण जिले के विभिन्न केंद्रों पर कुल 4756 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह बड़ी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में ही 16 केंद्रों को परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, इसके लिए आंतरिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन से संबंधित गाइडलाइन भी जारी किया गया है। यह बड़ी खबर है परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए कि 36,000 सीटों पर होगा दाखिला। जो स्टूडेंट्स इंटर फाइनल कर चुके हैं और ग्रेजुएशन पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का 36,000 सीटों पर होगा दाखिला। ठीक है, ये ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सुन लीजिए, 36,000 सीटों पर होगा दाखिला। इस वर्ष स्नातक 17-21-24 के अंतर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय में कुल 36,000 सीटों पर दाखिला होगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही सीटों का निर्धारण किया गया है, अभी कोविड प्रोटोकॉल के कारण नामांकन शुरू नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय छात्र कल्याण विभाग ने बताया कि छपरा, सिवान व गोपालगंज के 21 अंगीभूत व 11 संबद्ध कॉलेजों में कला विज्ञान व वाणिज्य के तहत नामांकन होगा। ठीक है, कला विज्ञान और वाणिज्य के नामांकन के तहत नामांकन होगा उसके तहत, और जिसके लिए सरकार से गाइडलाइन आते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से जैसी गाइडलाइन आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं लंबित परीक्षाएं कब शुरू होगा। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ 2017-20 की स्टूडेंट्स की बात करें 2017-20, साथ ही साथ 2017-19 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है, साफ साफ आपको दिखा हुआ है कि पीजी थर्ड सेमेस्टर 17-19, वीटेक फोर्थ सेमेस्टर व एमबीए फोर्थ सेमेस्टर की लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। जी हाँ, जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सभी परीक्षाओं के लिए पूर्व में 17 अप्रैल से शेड्यूल जारी हुआ था, लेकिन 17 को पीजी के अंतर्गत कुछ विषय के एक पत्र की परीक्षा हुई थी, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, इस कारण परीक्षाओं को बीच में स्थगित करना पड़ा। यह बड़ी खबर है। वहां पर बताया जा रहा है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो लक्ष्मी नारायण सिंह की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आगामी स्नातक सत्र में नामांकन को लेकर चर्चा की गई है। वहीं UMIS पोर्टल की अपडेट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। प्रतिकुलपति ने कहा कि हर वर्ष स्नातक में नामांकन को लेकर कई तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इस वर्ष से UMIS बेहतर ढंग से काम करे जिससे छात्रों को नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में कोई परेशानी ना हो।
उन्होंने नामांकन समिति के सदस्यों से भी कई महत्वपूर्ण सुझाव लिए हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अब 2 से 3 पेज का किया जाएगा। जी हाँ, 2 से 3 पेज का आवेदन किया जाएगा। आईटी सेल को निर्देश दिया गया है, वहीं विश्वविद्यालय से जो निर्देश आवेदन फॉर्म भरने समय जाता है उसमें भी सुधार किए जाएंगे। अब बताया जाता है कि जुलाई से ही स्नातक के नवीन सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी कोविड प्रोटोकॉल के कारण नामांकन व परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगी है। पीआरओ प्रो हरिश्चंद्र ने बताया कि राज्य सरकार व राजभवन ने नामांकन के संदर्भ में निर्देश प्राप्त होगा, विश्वविद्यालय उसके बाद नामांकन का शेड्यूल जारी करेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रथम मेधा सूची भी जारी की जाएगी। इस समय इंटर उत्तीर्ण छात्रों का स्नातक में दाखिला का इंतजार है। गत वर्ष कोविड के कारण नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हुआ है। बैठक में DSW बताए हैं, DSW प्रो AK झा ने बताया कि DN प्रो रामध्यान राय, JPM के प्राचार्य डॉक्टर मधु प्रभा, जगदम्ब कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KK बैठा और डॉक्टर उदय अरविंद, डॉक्टर सरफराज अहमद, डॉक्टर धनंजय आज़ाद, IT प्रभारी डॉक्टर शशि तोष कुमार और डॉक्टर शेखर कुमार आदि सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने निर्णय लिया है। मतलब राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही जो है नामांकन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी 17-24 के स्टूडेंट्स के लिए, और 17-19, 19-17-20 के स्टूडेंट्स का परीक्षा जो है बहुत जल्द परीक्षा पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, ये बताया जा रहा है बड़ी अपडेट के साथ। तो दोस्तों वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। वीडियो को आप लोग शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, बहुत सारे एप्लीकेशन आप चलाते हैं, जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं उस एप्लीकेशन में शेयर कर दीजिए, ग्रुप चलाते हैं ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यूज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली पूरी जानकारी आपको अपडेट मिलता रहे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।